मैंने बाल काटे, आपको पता है क्यों? हेलो दोस्तों, मैं हूँ सांझवी गोवा से और ये मैं आज अपने बाल काटने वाली हूँ। आपको पता है मैं ये क्यों काट रही हूँ? पहले मेरे बाल बहुत लंबे थे लेकिन अब मैं छोटे ही रखना पसंद करती हूँ। जब से मैं टीवी चैनल पे काम करती थी तब से मैंने बाल छोटे रखे हैं और मुझे बहुत फ़र्क दिखा पहले बालों में से और अब के बालों में, इसलिए मैं बाल अभी छोटे ही रखती हूँ। क्योंकि मुझे बहुत हेयर फॉल का प्रॉब्लम था, बहुत पतले बाल हैं मेरे, तो फिर ज़्यादा लंबे रखे ना तो वो अच्छे नहीं दिखते थे, मतलब बहुत ही जैसे कि कोई रोग हुआ हो ऐसा कुछ लगता था। मुझे पहले ही वीकनेस है तो फिर ये बाल भी लंबे रखे तो वो अच्छे नहीं दिखते हैं, मतलब उनकी चोटियाँ भी बहुत छोटी छोटी हो जाती थी, पतली सी पूंछ जैसी। इसलिए मैंने काटने का सोचा और मैं हर महीने ट्रिम करती हूँ इसे घर पर ही। कभी भी मैं अगर बाहर जाती हूँ, कोई फंक्शन हो तो ही मैं बाहर से काटती हूँ, बाहर जाकर काटती हूँ, नहीं तो मैं खुद ही काटती हूँ। ये देखिए, मैं बहुत डर रही थी लेकिन आज मैंने थोड़े से ज़्यादा काटे हैं। ये जल्दी ग्रो हो जाते हैं लेकिन लंबे बाल सूट नहीं करते हैं, मुझे बहुत ही ख़राब लगते हैं वो, मतलब ऊपर नीचे ऐसे ख़राब लगते हैं बहुत, इसलिए मैं छोटे काटती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे छोटे बाल चाहिए या मॉडर्न, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे हेल्दी थोड़े से रहते हैं बाल, मतलब हेयर फॉल कम हो जाता है मेरा, इसलिए मैं छोटे ही रखती हूँ। वरना बहुत सारा हेयर फॉल होता है, मेरे थोड़े से भी लंबे हो जाते हैं तो हेयर फॉल ना स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए ये देखो बहुत दुख होता है मुझे इनको जब मैं काटती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मतलब जो अच्छा होता है अपने लिए वो करना चाहिए। और ये अभी सूट भी होते हैं मुझे, थोड़े से अच्छे लगने लगे हैं। पहले शुरू में जब मैंने काटे थे, काम पर थी तभी बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव कमेंट किए थे शुरू शुरू में, लेकिन बाद में कहने लगे कि हाँ अब ये बहुत अच्छे लगते हैं तुम पर। वो लंबे बाल तो थे लेकिन बहुत पतले थे, किसी की पूंछ लगती थी, ऐसे वैसे बाद में कहने लगे। मतलब धीरे धीरे बदलाव भी हो जाता है, बदलाव हमने भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जो अच्छा है अपने लिए वो थोड़ा सा बदलाव करना ही चाहिए। तो फिर ये देखिए, इस तरह से मैं खुद ही अपने बालों को ट्रिम करती हूँ और हर बात आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ मैं जो भी करती हूँ। ये देखिए, आप भी बताइए कमेंट करके कि ये बाल कैसे लगे आपको, ठीक है? मैं जानती हूँ आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार देते हैं और ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, ठीक है? आप लोगों के प्यार के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ हमेशा रहिए, जैसे आज तक है वैसे आगे भी रहिए। मैं आप लोगों को कभी नहीं भूलूँगी, मैं अपनी हर बात आप लोगों से शेयर करती रहूँगी और ऐसे ही आप अपना भी साथ मेरे साथ बनाए रखना। ये देखिए, मैं कैंची से काट रही हूँ घर पर ही, ये सब्जी की कैंची है लेकिन फिर भी मैंने यूज़ की है। ये लुक आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइए मुझे, ठीक है? ये देख सकते हैं आप मेरे बाल कितने पतले हैं, लेकिन जब मैं काटती हूँ तो देखिए कितना फ़र्क पड़ता है। मतलब ज़्यादा लंबे होते हैं ना तो पतले पतले से लगते हैं, और ये ऐसे रहते हैं तो थोड़ा सा अच्छे लगते हैं। मैं पीछे से भी दिखा देती हूँ टर्न करके, ये देखिए मुझे थोड़ा सा ना पीछे भी वो टकलू जैसी लगती हूँ मैं पीछे से। ये देखिए, बीच में ही देखिए वो टकलू जैसा कुछ, मुझे ज़्यादातर तो लोगों को आता ही है वैसा, मैंने बहुत सारे लोगों के देखे हैं टकलू जैसा कुछ बीच में ही, तो वहाँ पे वीक भी लगाते हैं कुछ लोग और छुपाते हैं वो, लेकिन जो अच्छा है वो करना ही चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो बुरी चीज़ है, जो अच्छा है अपने लिए वो बदल करने ही चाहिए, सब बदल ज़रूरी होते हैं, कॉन्फिडेंस आता है उसमें। ये देखिए, ये हेयर स्टाइल आप लोगों को कैसा लगा ये प्लीज़ कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आप लोगों के साथ हर चीज़ मेरी शेयर करूँगी। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय।